अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो ये हमारे पास दो स्पीकर आए हैं, ये एक जो अपने हिसाब से कारीगरी करके लेके आया, उसने बोला कि एक स्पीकर चलता है तो दूसरा नहीं चलता, अगर दोनों चलते हैं तो आवाज़ सही नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगाना चाहिए। और एक हमारी ग्राउंड की होती है और हैंड फ्री में एक अलग से वायर होती है, चार वायरें होती है, जो लाल वाली वायर हैंड फ्री में अलग से होती है वो माइक की होती है। तो यहाँ पे ऐसी तार जो लाल वाली होती है माइक की, तो यहाँ पे सिर्फ ये लाउड की है, इसमें कोई माइक वगैरह नहीं है। इसकी एम्पलीफायर ऐसी जो इसमें है, और यहाँ पे दो लाइनें इस लाउड की होगी, राइट लेफ्ट, और एक होगी ग्राउंड की। तो ज़्यादातर ग्राउंड में जो होगा वो हमेशा गोल्ड कलर का होता है। मगर आपको कलर्स का पता नहीं चलेगा था तो आप अपने हाथों से भी पता लगा सकते हो। इसका सिंपल सा फंडा है, आपको जस्ट इसको लगा के जब ये ऑन हो जाए तो इनका वॉल्यूम आपको फुल कर देना है, और आपको हाथ से छूना है। जब आपको साउंड आए तो पता लगा, आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी वायर है। जैसे कि यहाँ पे मुझे इस पे साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये वायर इसकी है। अब हम इन पे हाथ लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साउंड आ रहा है। इस वायर जो वाइट वाली हमारी वायर है वो इसकी है, और जो ग्रीन वाली वायर है वो इसकी है। तो आपको अच्छे से देखने में आ रहा होगा, तो मैं आपको और भी क्लियर करता हूँ, ये अलग में करता हूँ। तो ये वाइट को मैं छूता हूँ, देखना साउंड आएगा। अब मैं इनको जो है ग्रीन को छूंगा तो इससे साउंड आएगा। तो इसका मतलब ये हमारी जो है ग्राउंड हो गई, और ये हमारी इसकी हो गई वाइट वाली, और ये हमारी ग्रीन वाली हो गई इसकी। अब पता कैसे चलाएं कि हैंड फ्री में ये कहाँ लगेगी? तो हैंड फ्री में जो नीचे वाला ऐसे दो होते हैं, ये स्पीकर के होते हैं लेफ्ट राइट, इसमें ये वायर आपको जहाँ भी लगानी है लगा लो। और सबसे ऊपर वाली जो हमारी होती है, इसमें लाल वायर लगती है जिसमें माइक का काम होता है। उसके नीचे ही जो ग्राउंड होता है, जो चौथे या तीसरे, यहाँ से तीसरे नंबर पे ये ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड में हम ये लगाएंगे। तो लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ।